खगड़िया के जिलाधिकारी ने शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित वादों के त्वरित निष्पादन एवं कार्यालय प्रबंधन संबंधी निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समरणालय सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की गई। बैठक में लंबित विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की अद्यतन समीक्षा की गई। आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वैशाली के जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं राजस्व से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भू राजस्व की प्रगति की समीक्षा की गई। पूर्णिया के जिलाधिकारी के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अमौर प्रखंड अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर लाभुकों को पंचायत सरकार भवन में सभी सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। गया के जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के उद्देश्य से सभी प्रखंड में क्रियान्वित योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु सभी प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा क्रियान्वित सड़कें एवं योजनाओं के नजदीक अवस्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जांच कराने हेतु वरीय पदाधिकारियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों की जांच दल गठित कर जांच कराया गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भू अर्जन, RCD, RWD, NH और पाइपलाइन को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उन्होंने NHAI परियोजना पैकेज 3, भारतमाला परियोजना, NH-122B परियोजना, गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पंचायत निर्वाचन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए। जहानाबाद के काको प्रखंड के उत्तर सिरथू पंचायत के लोगों के साथ जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज एक बार फिर शीतलहर ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आज दिल्ली का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि कल के मुकाबले 1 डिग्री ज्यादा का रहा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं के मैदानी इलाकों में बहने से तापमान में गिरावट है। तो वहीं आज 27 ट्रेनें देरी से चली, क्योंकि घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी के बाद ही लोगों को इस शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। आज दिल्ली महानगर में इतनी कोहरा छाई हुई है कि लोगों को सड़क भी नहीं दिख रहा है और ठंड भी बहुत ज्यादा है और कोहरा से पूरा पटा हुआ है महानगर दिल्ली। कितनी कोहरा है इस समय 7:30 बजने को, आप खुद ही बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। अभी मैं आपको देखिए GT करनाल का भी सड़क का नजारा दिखाऊंगा, GT करनाल रूट का। और पहले भी हमारे चैनल ने यह समाचार दिखाया था कि 2 दिन भीषण ठंड रहने वाली है।